Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is me, Tahir, and welcome back to another video. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि जो है नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो ये होगी कि आपको यूनिटी मतदान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अभी मेरिट लिस्ट भी जो है सून आ गई होंगी और आपका रिजल्ट आई होप कि ईटा का अच्छा आया होगा, बिकॉज ईटा का रिजल्ट अच्छा अगर नहीं आया तो आपको बहुत हार्ड लक का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज मेरिट काफ़ी हाई जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यू शुड कम टू यूटी मरदान और नॉट। वैसे तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और लाइक भी करना। सबसे पहले जो है ना, मैं जो है हर वीडियो को जो है कुछ डोमेन्स में कुछ डोमेन्स के हिसाब से बताता हूँ। तो इस वीडियो में भी जो है ना मैं 2-3 डोमेन्स आपको बताऊँगा कि उन डोमेन्स में जो है ना यूनिवर्सिटी कैसी है, ठीक है। तो 3 मेन चीज़ें जो है मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है उसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है होता है ऑफकोर्स जो एजुकेशन होती है। एजुकेशन के बाद जो हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, ठीक है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि इंडस्ट्री। अब इन 3 चीज़ों को जो है आप अच्छी तरह अगर समझ लेंगे तो आपको खुद डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा कि यार मुझे जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो मैं पर्सनल आपको एक सजेशन भी दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो आपको ये करना है वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट एजुकेशन, दैट हाउ इज़ द एजुकेशन एट यूटी मरदान। तो वन लाइन आंसर इज़ दैट इट इज़ गुड, यस इट इज़ गुड यार। मतलब अगर मैं जो है अपनी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करूँ दूसरी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कि जो है वो स्पेशली KPK में, तो यूटी मरदान इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसिस यू कैन मेक फॉर इंजीनियरिंग। स्पेशली जो है ना मैं स्पेसिफिकली ज़्यादा अपनी फील्ड को के हिसाब से बताऊंगा आपको कि यार यूटी उस हिसाब से कैसी है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। बाकी बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब पहली बात यह है ना कि KPKM है एक सिर्फ यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाती है एंड विच इज़ ऑल्सो रिकोगनाइज फ्रॉम PC। इट मीन्स दैट यू इफ यू जस्ट डू योर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम UET मरदान आपको PC कार्ड मिलेगा, सही है, समझ आ गई। PC कार्ड मिलेगा, इसका ये मतलब है कि आप जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल PEC से रिकॉग्नाइज इंजीनियर बन जाएंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है ऐसा, सही है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक ऑस्ट या हरिपुर यूनिवर्सिटी या हज़ारा यूनिवर्सिटी, मैं उन सब यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी को प्रेफर करता हूँ तो UET मरदान। तो यार मैं ये कहता हूँ कि अगर जो है आपका नस्ट प्यास GI के उधर आप नहीं जा रहे हो अगर, सही है, तो IT के लिए UET मरदान से बेस्ट आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है। ये मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आपको आगे वीडियो में समझ आ भी जाएगी ये बात, और मैं 2 साल खुद गुजार के UET में फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, और इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ ऑफिस में, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, सही है। तो थोड़ा बहुत मुझे जो है नो आ हो गया है कि हाउ इज़ द इंडस्ट्री, और अगर आप जो है पढ़ रहे हो तो आपको आगे फील्ड में फ़ायदा होता है कि नहीं। तो खैर अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि यार इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इस टाइम। तो इस टाइम इसमें कोई शक नहीं है कि IT की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है इट इज़ फास्ट। क्यों फास्ट है? फास्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो खुद को जो है वो इंडस्ट्री के साथ अपडेट करके रखती है। तो इंडस्ट्री से अपडेट करके रखने का मतलब ये है कि उनको पता होता है कि यार इस टाइम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और हमें जो है अपने स्टूडेंट से किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करवाने चाहिए जो उनको आगे करियर में काम आएंगे और उनका जो है जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। अब इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो यार आज तक मैंने अपना कोई सीनियर ऐसा नहीं देखा, ठीक है, 2 साल जो 2 बैचेस में निकले हैं कि जिन्हें जो ये कहें यार हमें कुछ नहीं आता, या जो ये कहें कि जो ऑलरेडी जो इधर से ग्रेजुएट होकर चले गए हुए हैं, बहुत सो से बात हुई है। आज तक मुझे कम से कम यार कोई ऐसा नहीं मिला कि जो है जो ये कहे कि मेरे पास जॉब नहीं है या मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ऐसा नहीं मिला। तो हाउ कैन आई गिव अ नेगेटिव रिव्यू इन दिस डोमेन एज वेल। तो दूसरी डोमेन भी जो है वो पास हो जाती है। एक छोटा सा काम सजेशन या एडवाइस एज अ सीनियर आपको देना चाहूँगा, अगर आप मेरे जूनियर हैं, कि ये बात जो है ना IT के लिए बिल्कुल 100% जो है करेक्ट है कि जो करना है आपने खुद करना है, वाकई आपने खुद करना है, ठीक है। आपने मिनी प्रोजेक्ट्स करने हैं एटसेट्रा, इसके साथ साथ हम बात करते रहेंगे उसके लिए स्टे कनेक्टेड, लेकिन ये है कि इस बात का भी मतलब समझना ज़रूरी है कि खुद करने का मतलब क्या है।
यूनिवर्सिटी का क्या क्या होगा अगर बंदा सब खुद ही करता है, यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी ये है कि मेरी तरफ से मतलब मेरे मुताबिक फर्स्ट एजुकेशन इज़ गुड, इंडस्ट्री या व्हेन यू जस्ट गो इनटू फील्ड आपने जो कुछ पढ़ा होता है जिस तरह से पढ़ा होता है आपको फ़ायदा होता है। थर्ड थिंग इन्वायरमेंट। अच्छा तो यार आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है जब आप यूईटी जाते हैं ना, तो यूईटी में जो है आपको उस तरह का बूस्टअप नहीं मिलता कॉन्फिडेंस का जिस तरह से जो है आपका आपको कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज में मिलता है, लाइक नस्ट एंड वुड से ऑमसेट्स, ठीक है, उस तरह का एक्सपोजर, उस तरह का जो है आपको वो नहीं मिलता है। तो ये है कि आपको ये भी सजेशन है कि आप खुद को खुद जो है ना वो मतलब प्रोफेशनल करके रखें, खुद का कॉन्फिडेंस खुद बनाएं। किस तरह? सेमिनार्स में जाएं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, एक्सपोज में जाएं, ठीक है, कभी प्रेजेंटेशन का चांस मिलता है उसको मिस ना करें। तो प्रेजेंटेशन वगैरह थोड़ी कम होती हैं तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये है कि इफ़ यू आर जस्ट फ्रॉम अ रियली गुड कॉलेज, आई मीन योर बैकग्राउंड इज़ स्ट्रॉन्ग, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है मतलब कि आप अच्छे कॉलेज से हैं, कॉलेज में जो है स्टेज एक्टिविटीज़ होती थी और यू आर कॉन्फिडेंट एज वेल एज यू आर योर पर्सनैलिटी इज़ इट इज़ प्रोफेशनल, फिर तो मसला ही नहीं है ना। बट इफ़ यू आर जस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, यार मैं जो है किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है, एवरी बॉडी इज़ लाइक ग्रेट, दे आर इवन बेटर देन अस इन एजुकेशन, ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस बेस्ड जो है इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो है बैकग्राउंड स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं, सही है, या उनमें ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो होता है और क्रॉस जेंडर कम्युनिकेशन से वो थोड़े से शाय होते हैं, सही है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस चीज़ को ख़त्म कर लेती हैं, लेकिन यूईटी में, यूईटी मर्दान में ये चीज़ जो है थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी होती है। आप सब क्लासमेट्स होते हैं, लाइक अभी से आपको एक और बात बताऊँ कि जो लोग जो है ना को एजुकेशन से मतलब मैं नहीं पढ़े होते या जिनने सेवन सिक्स सेवन तक पढ़ा उसके बाद छोड़ दी, तो ये कुछ सालों में ना उनके कंसेप्ट मतलब थोड़े कंसेप्ट उनके ख़राब हुए होते हैं, सही है। तो उसके लिए एक सेंटेंस से बोलना चाहूँगा कि यार व्हेन यू आर स्पेंडिंग फोर इयर्स टुगेदर इन वन क्लासरूम, ठीक है, तो एवरीबॉडी इज़ लाइक फ्रेंड, एवरीबॉडी इज़ योर क्लासमेट, एवरीबॉडी इज़ प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो ये बहुत बड़ी बात है और यू आर लकी इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, सही है। तो आपको प्रोफेशनल होके रहना पड़ता है एंड यू शुड बी प्रोफेशनल, सही है, आपको आपके टीचर्स भी पसंद करेंगे, आपको आपके क्लासमेट्स भी पसंद करेंगे और आपको आपकी क्लासमेट्स भी पसंद करेंगे, समझो बात को, समझियो बात को, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी ना आए ना, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। एनीवेज यार आई थिंक दैट्स इट। तो मेरी तरफ से इफ़ यू आर कमिंग टू यूईटी मर्दान यू आर मोस्ट वेलकम। मैं रिकमेंड करता हूँ यूईटी मर्दान को, अगर मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ होता या मैं रूल के ज़िंदगी गुजार रहा होता मैं कभी भी सजेस्ट ना करता, सही है, बाद में आगे मुझे गालियाँ ना देना भाई अपने रिस्क पे आओ, लेकिन मैंने सिर्फ अपना तुम लोगों को जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है आगे। और एक बात और मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा कि यार यूनिवर्सिटी ना जो होगे रगड़ा देती हो ना किसी को भी पसंद नहीं आती है। आप नस्ट जाओगे वो ज़्यादा रगड़ा देते हैं, फास्ट जाओ उससे भी ज़्यादा रगड़ा देते हैं फास्ट, ठीक है, तो यूईटी मतदान में भी रगड़ा देते हैं, तो ये जो है कोई वो नहीं होता। और फिर एक और क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे कि क्या यूईटी में जीपीए आता है, तो फॉर दैट स्टे कनेक्टेड। और यार आई जस्ट मेक दिस टाइम लाइक अभी तक मैं काम कर रहा था, सही है, 7-8 बजे हैं इस टाइम रात के सुबह से, तो आई स्टिल मेक टाइम फॉर मेकिंग दिस वीडियोस। तो प्लीज़ यार आई नीड योर सपोर्ट और थैंक यू सो मच जितना आप लोग सपोर्ट करते हैं, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे दें आज के लिए इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम।